दिल्ली में गंदे पानी को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेताओं का केजरीवाल के घर तक मार्च। केजरीवाल को सौंपेंगे गंदे पानी का सैंपल। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों यानी कि गौतम गंभीर और इसके अलावा तिवारी साहब ने भी दिल्ली सरकार पर निशाने साध दिए थे और दिल्ली में गंदे पानी की सियासत अब उसके बाद तेज होती नजर आ रही है। वजह बिल्कुल साफ है, दिल्ली में इलेक्शन अब सर पर हैं। फरवरी के आसपास इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, उससे पहले बिजली पानी मुफ्त करके जो लुभावने वादों के साथ या लुभावने कामों के साथ केजरीवाल अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, अब उन्हीं में से एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। और ये मुद्दा यह है कि लगभग 20 और 21 राज्यों में सैंपल लिए गए पानी के, जिसमें सबसे प्रदूषित बड़े शहरों में पानी का सैंपल जो गंदा पाया गया वो दिल्ली का ही था। इसी के बाद से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज गंदे पानी की बोतलों को लेकर केजरीवाल निवास की ओर कूच कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। भी हम सभी हम क्यों सड़कों पे बैठे, हम क्यों पानी का सैंपल लेके आ रहे हैं? किसी राम विलास पासवान जी ने, मिनिस्टर ने कहा कि आप 3 अधिकारी नियुक्त कर दो। हमने 3 अधिकारी बीआईएस के नियुक्त कर दिए। बीआईएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, बीआईएस उपभोक्ताओं को मिलने वाले पानी का या किसी कंज्यूम किए जाने वाली वस्तु को उसका गुणवत्ता कैसा ही ये मापने वाली संस्था है। अगर उस पे अरविंद केजरीवाल जी को डाउट है, 3 अधिकारी आप दे दो, 3 अधिकारी बीआईएस दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो सैंपल का रिजल्ट आ गया है, क्या वो दिल्ली के घरों से नहीं मिलता?